तो एक बड़ा अपडेट सबसे पहले आपको बलरामपुर से पहुंचा दें। थाने के बाथरूम में एक युवक ने फांसी लगा दी है और इस मामले में अब बलरामपुर में बवाल मच गया है। कोतवाली थाने में स्थानीय लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया है, पुलिस के साथ झूमा झटकी की स्थिति बन गई, नौबत आ गई और थाने के सामने जो रेलिंग लगा था उग्र भीड़ ने इसे उखाड़ कर पुलिस पर ही फेंक दिया है। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। तो इधर स्थानीय लोग जो भीड़ वहां पर जमा हुई थी, पत्थरबाजी उन्होंने की है पुलिस पर पत्थर फेंके हैं, थाने के खिड़कियों में पत्थर फेंके गए हैं और बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पर मौजूद है। चूंकि लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल कांग्रेस पार्टी उठा रही है, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज हमारे साथ, हमारे सहयोगी राजेश राज उनके साथ बने हुए हैं। राजेश, बात करें इस विषय पर, एक बार फिर से लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल कांग्रेस पार्टी उठा रही थी और दीपक बैज ने लॉ एंड ऑर्डर पर कई बार कांग्रेस से सवाल उठाए हैं, यही मामला फिर से बलरामपुर में देखने को मिला है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ दीपक बैज जी हैं और उनसे सवाल भी करते हैं। चूंकि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के आप लगातार सवाल उठाते रहे, फिर से एक बड़ी घटना हुई है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? इन सब घटनाओं का जिम्मेदार पूरी तरह से प्रशासन और सरकार है, गृह मंत्री है, मुख्यमंत्री है। लगातार प्रदेश में इस तरह की बड़ी बड़ी घटनाएँ हो रही है। बलौदा बाजार जला, फिर उसका लोहारडी जला, फिर सूरजपुर जला, उसके बाद ये हमारा बलरामपुर। आखिर इस तरह की घटनाएं सीरियल वाइज सीरियलोली कब रुकेगी? इसके जिम्मेदार कौन है? ये भी कहीं लोहारडी घटना की तरह प्रशांत साहू की तरह तो नहीं कि पुलिस कस्टडी में उसे मारकर उसे फांसी लटकाया गया? कहीं ना कहीं ऐसा परिवारजनों का गांव वालों ग्रामीणों में ऐसा मुझे लगता है संदेह है, शंका है। कोई जानकारी आप तक पहुंची है कि इस तरह की घटना? लगातार जानकारी ले रहे हैं और हमें तो पूरी तरह संदेह है कि पुलिस लॉकअप में उसे मार दिया गया और उसे फांसी पर लटका दिया गया। इसी वजह से ग्रामीणों में भीड़ आक्रोशित हुई और कहीं ना कहीं थाने में पथराव हुआ और उसी का नतीजा है कि वहां के तनाव का माहौल का स्थिति है। क्या कांग्रेस कोई स्टैंड लेने जा रही है इस घटना? बिल्कुल बिल्कुल, इस घटना को लेकर हम बिल्कुल तत्काल ही एक जांच कमेटी बना रहे हैं और कांग्रेस पार्टी इस मामला को गंभीरता से ली है और आने वाले मामले में निश्चित रूप से इन सब घटनाओं को लेकर कांग्रेस पार्टी गंभीर है, फिर बड़ी निर्णय लेगी। सरकार और गृह मंत्री की भूमिका और जिम्मेदारी? देखिए, सरकार भी पूरी तरह से फेल है, गृह मंत्री भी फेल है, प्रशासन भी फेल है। अब मैं समझता हूँ कि तीन लगातार हर घटनाओं पे जिम्मेदारी सरकार न लेकर कलेक्टर और एसपी बदलने से क्या अपराध रुकेगा? इस घटना का जिम्मेदार कौन है? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, इस तरह घटनाएं कौन रोकेगा, कब रुकेगी? लेकिन दुर्भाग्य है कि इस तरह घटनाएं लगातार हो, बड़ी घटना है, इस घटना की हम कड़ी निंदा करते हैं और निश्चित रूप से आने वाला समय में कांग्रेस गंभीरता से लेकर और इस घटना के लेके फिर बड़ा प्रदर्शन तैयारी करेगी। क्योंकि किसी भी घटना के पीछे मंशा देखी जाती है अपराध की, आपके पास कुछ ऐसी स्पेसिफिक जानकारी है सर क्या कि इस बैकग्राउंड में क्या था, ऐसी क्या चीज़ें थी जिस तरह से आप संदेश जता रहे हैं कि उसकी हत्या करके पुलिस लॉकअप में लटका दिया गया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी हम लोग लगातार बात कर रहे हैं ग्रामीणों से और वहाँ के लोगों से, लेकिन जिस तरह से पहला हमारे पास इनपुट है कि उसे कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया गया है और हमें तो संदेह है कि जिस तरह से पुलिस लॉकअप में प्रशांत साहू की उनकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई, मुझे लगता है कि ये जो फांसी का जो मामला है ये भी मुझे सेम वैसे ही लग रहा है कि उसको भी मार कर कहीं फांसी न लटका दिया गया हो और उसे आत्महत्या का रूप दिया जा रहा हो। सरकार हर घटना के पीछे कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास किया है। आप सैकड़ों घटना देख लीजिए, उठा के पहले उसको दबाने का प्रयास किया, फिर उसको आत्महत्या बताया, उसके बाद जाँच हुई तो हत्या हुई। देखिए इस घटना पर भी सेम यही है, इसलिए तो ग्रामीणों में आक्रोश और थाना को आप पथराव कर रहे हैं, मतलब समझ जाइए ग्रामीण आक्रोश है, कहीं ना कहीं ग्रामीणों में डाउट है और ग्रामीण कहीं ना कहीं इस घटना को लेकर सशंकित है कि पुलिस के हाथों हत्या हुई है फिर उसे फांसी पर लटका दिया गया। देखिए ये जता रहे हैं कि जांच होनी चाहिए क्योंकि इसमें संदेह है और ये भी कह रहे हैं कि दूसरी घटना की तरह इसमें भी हो सकता है कि पुलिस की पिटाई से मौत हुई हो और फिर छुपाने के लिए उसको फांसी का रूप दिया गया हो। जी, पीसीसी चीफ दीपक बैज को आप सुन रहे थे, जिन्होंने गंभीर आरोप सरकार और प्रशासन पर लगाए हैं और ये भी कहा है कि यह आशंका जताई जा रही है कि क्या इस युवक की पहले हत्या कर दी गई और फिर फांसी पर लटका दिया गया है। कांग्रेस पार्टी ने फिर से लॉ एंड ऑर्डर पर गंभीर सवाल उठाए हैं और कटघरे में प्रशासन को खड़ा किया है। तो बलरामपुर में जिस तरह से युवक की लाश मिली है फांसी पर लटकी हुई, इसके बाद इतनी स्थिति खराब हो गई है कि भीड़
बेकाबू हो गई, हमला किया और बैक टू बैक जो मामले सामने आए छत्तीसगढ़ में, आज की तस्वीर आप देखें किस तरह से बलरामपुर में थाने में भीड़ एग्रेसिव हो गई, रेलिंग तोड़ दी, पत्थरबाजी हुई। और इससे पहले 14 अक्टूबर 2024 सूरजपुर में क्या हुआ था, दुर्गा विसर्जन के दौरान, प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक पुलिसकर्मी पर खौलता हुआ तेल फेंक दिया गया था, उसके बाद पुलिसकर्मी की पत्नी और 11 साल की बेटी की हत्या कर दी गई थी। 15 सितंबर 2024 ये मामला कवर्धा के लोहाईडी का है, जहां पर हत्या हो गई थी। और उससे पहले बलौदा बाजार जिस तरह से एसपी दफ्तर और कलेक्ट्रेट को फूंक दिया गया था,